नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कागज में पानी कैसे गर्म कर सकते हैं। जिसके अंदर हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। एक बार माचिस, मोमबत्ती, सेंटिंग वाला तार जिसका यूज हम हैंडल के रूप में करेंगे, पानी और एक रफ पेपर जो भी आपके पास होगा। इसे पहले हम सबसे पहले इसके मतलब चौकोर वाइज में काटेंगे, जो कि हमारे कटा हुआ है। इसे हम सबसे पहले वन टाइम फोल्ड करेंगे, हाँ, सेकेंड टाइम, थर्ड एंड फोर्थ टाइम। और उसके बाद हमें इसे फोल्ड करना पड़ेगा जाके, ताकि जिससे हम इसे साझे के रूप में दे सके कागज को आकार। ये कैसे हो जाएगा, बर्तन के रूप में बन जाएगा। और अब इसके बाद हम ये तार लेते हैं जिसका यूज हैंडल के रूप में कर रहे हैं। इस हैंडल का इसलिए बनाए ताकि आपका हाथ गर्म हो। आवश्यकता अनुसार अपन पानी ले, किस प्रकार पानी गर्म हो रहा है। ना तो कागज जल रहा है, ना ही गल रहा है। देखिए कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है हमने इसे। अगर हम कागज को ऐसे ही जला आग के ऊपर रखेंगे तो वो जल जाएगा, या पानी इसके अंदर डाल रखेंगे तो वो गल जाएगा कागज। लेकिन इस समय ना तो जल रहा है कागज, ना ही गल रहा है। इस प्रकार आप पानी गर्म कर सकते हैं, ना ही ये बटर पेपर है, सिंपल रॉ पेपर।
देर में तो कागज गल भी जाता है, लेकिन अभी कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि पानी भाप के रूप में अभी उड़ रहा है कार पर। इसे गर्म होने में टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार हल्के हल्के भाप के तौर पे पानी उड़ने लगा है। देख सकते हैं आप इस प्रकार पानी हम गर्म कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा।